पहली मॉनसून बारिशों का सिलसिला 3 से 8 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। मॉनसून के इस सिलसिले के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी तूफान के साथ शदीद बारिशें मतवक्के हैं। बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदा रोजीना अली से। रोजीना बताएगा कैसा मौसम रहेगा, और ये जो दौरा करते हैं नॉर्दर्न एरियाज का, क्या उनके लिए भी कोई ट्रैवल एडवाइजरी इस हवाले से जारी की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि हालिया जो स्पेल आ रहा है मानसून बारिशों का बाकायदा आगाज होने जा रहा है। इससे पहले प्री मानसून बारिशें हुई और अब बाकायदा मानसून बारिशों का आगाज है और ये सिलसिला 8 जुलाई तक जारी रहेगा मुल्क में। और इसमें महकमा मौसमियात ने जैसे कि अलर्ट जारी किया कि अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, इसी हवाले से NDMA ने भी अब एडवाइजरी जारी की है। तमाम जो इदारे हैं उनको भी अलर्ट रहने का कहा गया है। मुतलका इदारों को हंगामी मशीनरी और अमले की जो मौजूदगी है उसको यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। जिले इंतजामिया इमरजेंसी मेडिकल अमले की मौजूदगी को भी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। और साथ ही साथ सयाह और जो मुसाफिर हजरात हैं उनसे भी ये गुजारिश की गई है कि सफर करने से कबल मौसमी हालात से बाखबर रहें। किसान और मवेशी मालिकान जो हैं उन्हें भी मौसमी हालात के पेश नजर जरूरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत की गई है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि मुतलका इदारे सैलाब के खतरे से 2-4 इलाका मकीनों को पेशगी इत्तला फराहम करें। इसी तरह सदर पख्तूनख्वा की जानिब से भी जो है वहां पर भी एडवाइजरी यकीनन जारी की गई है। पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर चूंकि लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है, अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है, इसलिए वहां पर भी तमाम जो इदारे हैं उन्हें अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।